नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी से जुड़ी बड़ी अपडेट जानने वाले हैं, जो कि आयोग के द्वारा एक ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है, इसमें कि फॉर्म फिर से अप्लाई किए जाएंगे। तो इन सारे कैंडिडेटों को फिर से फॉर्म फिल करने होंगे और साथ ही एग्ज़ाम की बात भी कह दिया गया है। एग्ज़ाम आपका कब तक होंगे उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, जो कि ऑफिशियली आयोग की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है और ये लेटेस्ट नोटिस है। आज की डेट में आपको बीटीएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पर ये नोटिस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग ऑफिशियली नोटिस की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ से सारी प्रक्रिया का अपडेट जानते हैं कि क्या कुछ आयोग ने आप सबके लिए जारी किए हैं। तो आप ये ऑफिशियली नोटिस देख सकते हैं, जो कि 5/9/2023 की डेट में ये ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है और जिसमें कि आप लोगों के लिंक भी एक्टिव किया गया है। सारी हम अपडेट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 7/2023 से 36/2023 तक जो व्यवसाय अनुदेशक की विभिन्न पदों पर जो बहालियाँ निकाली गई है, उसमें ऑनलाइन के लिए फिर से जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो फिर से शुरू किए जाएंगे। तो किन कैंडिडेटों को आवेदन करना है वो सारी अपडेट हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, जो कि आपको इस नोटिस में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सारे कैंडिडेटों को अप्लाई नहीं करने हैं, सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण जो पटना बिहार पटना के अधीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसाय अनुदेशक जो ITI योग्यताधारी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका विज्ञापन संख्या जो आप देख सकते हैं इतनी सारी विज्ञापन संख्या थे, उसमें फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट दिया गया था उसका भी मेंशन किया गया है कि 4/7/2023 से 3/8/2023 तक इसके आवेदन की प्रक्रिया पूरा किया गया था। इसके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसी के अनुसार जो परीक्षा का तिथि भी आप लोगों को जैसे कि डेट आ चुका था वो आप सबने देखे होंगे और एडमिट कार्ड भी उसका डाउनलोड हो रहे हैं। तो ये आवेदन किसका हो रहा है ये भी आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्रांक सारा कुछ दिया गया, दिनांक 5/9/2023 के द्वारा आज की डेट में जो परामर्श के आलोक में राष्ट्र व्यवसायिक प्रमाण पत्र जो पहले NCVT के छात्र को ही अप्लाई करने का मौका दिया गया था, लेकिन अब NCVT के साथ साथ व्यवसाय प्रमाण पत्र जो SCVT योग्यताधारी होंगे, NCVT के साथ साथ SCVT योग्यताधारी भी होंगे, तो उनको भी इसके लिए मान्य किए गए हैं। तद अनुसार राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र जो धारक होंगे SCVT योग्यताधारी अभ्यर्थियों को मान करते हुए, वैसे अभ्यर्थी जो पहले से इसके लिए अप्लाई कर चुके थे, जो SCVT छात्र अप्लाई किए हुए थे, आवेदन किए हुए थे, उनका तो परीक्षा होंगे ही, साथ ही जो अप्लाई नहीं किए थे, आयोग द्वारा पुनः पोर्टल खोलकर छूट दिए गए राज्य भर में व्यवसाय प्रमाण पत्र धारक SCVT योग्यताधारी के लिए, तो इनके लिए आवेदन की प्रक्रिया के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया होंगे उसके लिए पोर्टल खोले जाएंगे। साथ ही अलग अलग परीक्षा केंद्र जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे उसके हेतु तिथि भी निर्धारित किया जाएगा। संबंधित परीक्षा के उपरांत जो नियमानुसार व्यवसाय अनुदेशक की विभिन्न पदों ITI योग्यताधारी की जो नियुक्ति होंगी उसकी मेधा सूची तैयार किए जाएंगे एग्जाम के बाद। तो इस तरीके से इसका जो सारा अपडेट था वो आप लोगों को BTSC की तरफ से दिया गया। तो जो भी कैंडिडेट छूट गए हैं SCVT के छात्र, उन सारे को अप्लाई करने के लिए जो कि अलग से लिंक है वो एक्टिव किए जाएंगे। तो आप लोग यदि एलिजिबल है तो निश्चित रूप से अप्लाई करें, क्योंकि और आप लोगों का एग्ज़ाम को लेकर भी एज पर जो नोटिस है वो आयोग की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। वैसे आप लोगों का जो CBT एग्ज़ाम होंगे तो, और अभी फ़िलहाल जो इसके लेकर अपडेट आए थे वो जो कि पहले से ऑनलाइन अप्लाई किए थे उनका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो जिन भी कैंडिडेट छूट गए वो लोग निश्चित अप्लाई कर ले। तो इस तरीके से जो भी जानकारियाँ BTSC से रिगार्डिंग आती हैं सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।